हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अर्चना। वेलकम बैक टू माय चैनल जीके ज्ञान कैप्सूल। इसमें मैं आपके जीके के कंटेंट लेके आती हूँ जो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होते हैं। आज मैं अपने एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। फ्रेंड, मैं थोड़े टाइम से आपने जो भी वीडियो बना रही है एग्रीकल्चर से रिलेटेड बना रही हूँ। फ्रेंड्स, वो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्रीकल्चर के एग्जाम में तो आते ही आते हैं। साथ में फ्रेंड्स, मैंने देखा है ये और एग्जाम्स में भी आते हैं, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये वीडियो इस तरीके से बना रही हूँ फ्रेंड्स कि आप एक बार देखेंगे तो आपको वीडियो पक्का याद हो जाएगा। तो पिक्टोरियल व्यू के साथ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा ताकि आगे भी मैं आपसे ऐसे वीडियो ला सकूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे से पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वो भी देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर वो डिवाइस है जो हवा की गति को नापता है या हवा के वेग को नापता है। तो याद रखिएगा, एनीमोमीटर जो है वो डिवाइस है जो विंड स्पीड या विंड वेलोसिटी को नापता है। और फ्रेंड्स, एग्जाम में भी पूछा जाता है और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो होता है वो हाइट नापने के काम आता है, एल्टीट्यूड नापने के काम आता है, ऊंचाई को नापने के काम आता है अल्टीमीटर। और ये इस तरीके से दिखता है अल्टीमीटर। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है बैरोमीटर या एंड्रॉइड बैरोमीटर भी इसे कहा जाता है। ये एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको नापने के काम आता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ऑक्सीनोमीटर। ऑक्सीनोमीटर जो है वो प्लांट की ग्रोथ को नापने के काम आता है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीनोमीटर जो है वो प्लांट की ग्रोथ को नापने के काम आता है। इस तरीके से दिखता है, प्लांट की जो टिप होती है उसे बांध दिया जाता है, उसके कहां तक वो पहुंचे उसके हिसाब से यहां से नाप लिया जाता है कि उसकी हाइट कितनी होगी। नेक्स्ट है एरोमीटर। एरोमीटर जो है वायु का घनत्व या डेंसिटी ऑफ गैसेस को नापने के लिए यूज होता है। तो याद रखेंगे, एरोमीटर जो है वो डेंसिटी ऑफ गैसेस को नापने के काम आता है, एरोमीटर। अब नेक्स्ट है एस्मन साइक्रोमीटर। तो एस्मन साइक्रोमीटर जो है वो नेटिव ह्यूमिडिटी नापने के काम आता है ओपन स्पेस में या क्रॉप कैनोपी में। फसल की जो कैनोपी होती है, खूब सारी फसल लगी है उसके नीचे क्या टेम्परेचर हो रहा है वो नापने के काम आता है एस्मन साइक्रोमीटर, या खुली जगह को भी नापने के काम आता है एस्मन साइक्रोमीटर। तो याद रखिएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखने के लिए ओपन या क्रॉप कैनोपी में यूज होता है एस्मन साइक्रोमीटर। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है ऑटोमीटर। ऑटोमीटर जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन को नापने के काम आता है। तो याद रखिएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन को नापने के काम आता है ऑटोमीटर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ जो है वो जो एयर प्रेशर होता है, जो लगातार एयर प्रेशर को नापता है, कंटिन्यूस एयर प्रेशर को नापने के लिए जो डिवाइस होता है उसे कहते हैं बैरोग्राफ। नेक्स्ट है ब्यूफोर्ड स्केल। ब्यूफोर्ड स्केल जो है वो विंड का फोर्स या स्पीड को नापने के काम आता है। तो याद रखिएगा, ब्यूफोर्ड स्केल जो है वो विंड के फोर्स को या स्पीड को, हवा के बल को या गति को नापने के काम आता है। नेक्स्ट है क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ जो है वो ग्रोथ ऑफ प्लांट को नापने के काम आता है, पौधों की जो वृद्धि होती है उसको नापने के काम आता है क्रिस्कोग्राफ। और क्रिस्कोग्राफ का इन्वेंशन जो किया था जगदीश चंद्र बोस ने किया था। और फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि क्रिस्कोग्राफ किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है। तो याद रखिए, जगदीश चंद्र बोस द्वारा इन्वेंट किया गया है क्रिस्कोग्राफ, और क्रिस्कोग्राफ से प्लांट की ग्रोथ को नापा जाता है। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है कैंपबेल स्टोक रिकॉर्डर। कैंपबेल स्टोक रिकॉर्डर है जो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट है उसको नापने के काम आता है, धूप की जो तीव्रता है उसको नापने के काम आता है कैंपबेल स्टोक रिकॉर्डर। सब नेक्स्ट है काइरोमीटर। काइरोमीटर जो है वो मेजर करता है जो टेम्परेचर बिलो जीरो डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब जो माइनस में टेम्परेचर होता है उसे नोट करने के लिए यूज होता है काइरोमीटर। और काइरो मतलब लेस देन टेम्परेचर बिलो जीरो डिग्री होता है। तो याद रखें, काइरोमीटर जो है वो टेम्परेचर नोट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, जीरो डिग्री से नीचे वाला टेम्परेचर नोट करने का इंस्ट्रूमेंट है काइरोमीटर। नेक्स्ट है 200 मीटर। 200 मीटर जो है वो ड्यू को नापने का इंस्ट्रूमेंट है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ओस को नापने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो है 200 मीटर।
नेक्स्ट है इवेपोरीमीटर। इवेपोरीमीटर जो है इवेपो ट्रांसपीरेशन को नापने का इंस्ट्रूमेंट है, तो याद रखिएगा ये इस तरीके से दिखता है। इवेपोरीमीटर जो है वो इवेपो ट्रांसपीरेशन को नापने का इंस्ट्रूमेंट है। इस नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर और साइक्रोमीटर एक ही चीज है, तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापने के काम आते हैं। तो याद रखिएगा हाइग्रोमीटर और साइक्रोमीटर जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापने के काम आते हैं। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट है ड्राई बल्ब थर्मामीटर। अब लैब में आपने देखा होगा ड्राई बल्ब थर्मामीटर होता है और साथ में एक इसके साथ ही अटैच होता है रेड बल्ब थर्मामीटर। एक ही प्लेट के ऊपर ये होते हैं, मॉडल प्लेट होती है उसके ऊपर होता है ड्राई बल्ब थर्मामीटर भी और रेड बल्ब थर्मामीटर भी। जो ड्राई बल्ब थर्मामीटर होता है फ्रेंड्स वो एयर का वो टेम्परेचर नापता है जिसमें मॉइस्चर नहीं होता, और जो रेड बल्ब थर्मामीटर है वो टेम्परेचर नापता है जिसमें मॉइस्चर होता है। और इसके लिए क्या होता है, जो रेड बल्ब होता है उसके नीचे जो है एक कपड़ा लगा होता है, मलमल का कपड़ा, मशीन फ्लोर इसे बोलते हैं, वो कपड़ा लगा होता है, गीला कपड़ा लगा होता है, और ये एयर का वो टेम्परेचर नापता है जो मॉइस्चराइज एयर होती है उसके टेम्परेचर को नापता है। और ड्राई बल्ब जो होता है वो ड्राई जो एयर होती है जिसमें मॉइस्चर नहीं होता उसके टेम्परेचर को नापता है। जैसे ये बेड बल्ब थर्मामीटर है और इसके नीचे एक फ्लोर लगा है मलमल का कपड़ा, मशीन फ्लोर, और ये जो वो टेम्परेचर नापता है जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, और ड्राई बल्ब वो टेम्परेचर नापता है जिसमें एयर का वो टेम्परेचर नापता है जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता। अब नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड नापने के काम आता है या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड नापने के काम आता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोमीटर जो है वो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को नापने के काम आता है। नेक्स्ट है हेलियोग्राफ। हेलियोग्राफ जो है वो धूप कितने घंटे चमकदार धूप रही उसको नापने की, धूप की जो अवधि रही उसको नापने के काम आता है हेलियोग्राफ। तो याद रखिए ब्राइट सनशाइन हावर ड्यूरेशन जो है चमकदार धूप कितने घंटे रही उसकी अवधि को नापने के लिए यूज होता है हेलियोग्राफ। नेक्स्ट है इंफ्रारेड थर्मामीटर। जो क्रॉप होता है ये पूरा फील्ड है, फील्ड में क्रॉप है, उसके नीचे का जो टेम्परेचर देखना है तो वो कैनों के टेम्परेचर नापने के लिए यूज होता है इंफ्रारेड थर्मामीटर। फिर नेक्स्ट है ईरोमीटर या टेंशियोमीटर। ईरोमीटर और टेंशियोमीटर जो है वो वाटर स्ट्रेस या सोइल मॉइस्चर टेंशन को नापने के काम आते हैं। याद रखिएगा वाटर का जो प्रतिबल होता है, जल का प्रतिबल, और सोइल मॉइस्चर टेंशन को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो है ईरोमीटर या टेंशियोमीटर। नेक्स्ट है इनफिल्ट्रोमीटर। इनफिल्ट्रोमीटर मतलब जो पानी का जो रेट होता है, जिस रेट से वो सॉइल में मूवमेंट करता है उसको नापने के काम आता है इनफिल्ट्रोमीटर। तो फ्रेंड्स ये सिंगल लेयर का भी हो सकता है और ये डबल का भी हो सकता है, इस टाइप से भी इनफिल्ट्रोमीटर हो सकता है और इस टाइप का भी हो सकता है। और फ्रेंड्स ये काम आता है जो पानी का मूवमेंट होता है सॉइल में उसके रेट को जानने के लिए यूज होता है इनफिल्ट्रोमीटर। नेक्स्ट है लाइसीमीटर। लाइसीमीटर जो इवेपो ट्रांसपीरेशन या परकोलेशन और जो लीचिंग प्रोसेस होते हैं प्लांट में उसको नापने के काम आता है। लाइसीमीटर इस तरीके से होता है, एक सिस्टम होता है जो इंस्टॉल किया जाता है फील्ड में, और ये ऊपर से इसका सरफेस होता है और नीचे से ये पूरे डेप्थ में होता है। ऊपर प्लांट लगाया जाता है, उसके बाद पूरा प्लांट की इवेपो ट्रांसपीरेशन, परकोलेशन और लीचिंग प्रोसेस, क्या लॉसेस हो रहे हैं उसमें, वो सब स्टडी किया जाता है लाइसीमीटर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर जो है फैट परसेंटेज ऑफ मिल्क जो होता है उसको जानने के काम आता है, दूध में जो वसा प्रतिशत होता है उसको जानने के काम आता है इलेक्ट्रोमीटर। अब नेक्स्ट है मैक्सिमम थर्मामीटर और मिनिमम थर्मामीटर। अब फ्रेंड्स मैक्सिमम थर्मामीटर और मिनिमम थर्मामीटर एक ही थर्मामीटर के पार्ट होते हैं। थर्मामीटर होता है उसके नीचे यू शेप का पार्ट होता है, थर्मामीटर कुछ इस तरीके से होता है, एक तरफ मिनिमम दिखाता है और एक तरफ मैक्सिमम दिखाता है। अब क्या होता है, जो मिनिमम थर्मामीटर नीचे इसमें मरकरी भरा होता है, ऊपर के हिस्से में अल्कोहल भरा होता है, और यहाँ पर एक बल्ब होता है मिनिमम के ऊपर थर्मामीटर के ऊपर और उसमें अल्कोहल भरा होता है, और जो मैक्सिमम के ऊपर बल्ब होता है वो वैक्यूम होता है। फिर जब एयर का जब टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है तो ये यहाँ पर एक मेटल की एक इंसिडेंस लगी होती है, वो मूव करती है। तो फ्रेंड्स वो मूव करती है और हम दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर नोट करते हैं और मिनिमम टेम्परेचर नोट करते हैं। अगर आपके इसके वर्किंग के बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और समझा सकते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो मैक्सिमम जो
टेम्परेचर थर्मामीटर होता है वो दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर बताता है और जो मिनिमम होता है वो मिनिमम टेम्परेचर बताता है। जैसे है मिनिमम थर्मामीटर, तो ये एक ही थर्मामीटर के पास पार्ट है मिनिमम और मैक्सिमम, और ये दिन का मिनिमम टेम्परेचर क्या हुआ वो दिखाता है। तो पूरे दिन भर का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है सबसे मैक्सिमम और मिनिमम, तो ये थर्मामीटर मिनिमम और मैक्सिमम पूरे दिन का टेम्परेचर बताते हैं कि सबसे ज्यादा मिनिमम किस टाइम रहा और सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितना टेम्परेचर रहा और मैक्सिमम कितना रहा और मिनिमम कितना रहा पूरे दिन में। अब नेक्स्ट है मैनोमीटर। मैनोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो रूट के प्रेशर को नापने के काम आता है, तो जड़ का जो दबाव होता है उसे नापने के काम आता है मैनोमीटर। फिर नेक्स्ट है ऑस्मोमीटर। ऑस्मोमीटर जो ऑस्मोसिस को नापने के काम आता है, तो याद रखिए ऑस्मोमीटर जो है ऑस्मोसिस को नापने के काम आता है। फिर नेक्स्ट है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने के काम आता है, इस तरीके को दिखता है, तो याद रखिएगा पिक्नोमीटर जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने के काम आता है। फिर मैंने हिंदी में भी दिया है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पाइरानोमीटर। पाइरानोमीटर जो है वो कितनी सोलर रेडिएशन आई, टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो आई है धरती पर उसको नापने के काम आता है पाइरानोमीटर। नेक्स्ट है पाइरेडियोमीटर। पाइरेडियोमीटर रेडियोमीटर जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, यूज होता है डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, जितनी भी डायरेक्ट सोलर रेडिएशन हमारी धरती पे आ रही है उसको नापने के काम आता है पाइरेडियोमीटर। नेक्स्ट है पाइरेडियोमीटर। पाइरेडियोमीटर जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है और शॉर्ट वेवलेंथ है उनको नापने के काम आता है, तो याद रखिएगा लॉन्ग और शॉर्ट वेवलेंथ को नापने के काम आता है पाइरेडियोमीटर। नेक्स्ट है पीजोमीटर। पीजोमीटर जो है ग्राउंड वाटर के प्रेशर को नापने के काम आता है, भू जल का दबाव को नापने के काम आता है पीजोमीटर। नेक्स्ट है फोटोमीटर। फोटोमीटर जो है ट्रांसपिरेशन और स्टोमेटिक बिहेवियर को जांचने के काम आता है, तो याद रखिएगा ट्रांसपिरेशन और स्टोमेटिक बिहेवियर को नापने के काम आता है फोटोमीटर, और वो इस तरीके से दिखता है। नेक्स्ट है पोरोमीटर। पोरोमीटर भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्टोमेटिक बिहेवियर को जांचने के काम आता है, और ये इस तरीके से यूज किया जाता है, लीफ में आप एक क्लिप लगा दी जाती है और यहाँ पर टेम्परेचर कोई स्टोमेटिक का जो बिहेवियर है उसे रीड किया जाता है, नोट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है फोटोमीटर। फोटोमीटर जो है वो ट्रांसपिरेशन को स्टडी करने के लिए, मापने के लिए यूज किया जाता है, तो फोटोमीटर क्या है ट्रांसपिरेशन को मापने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पेनिट्रोमीटर। पेनिट्रोमीटर जो है सोयल की स्ट्रेंथ को नापने के काम आता है, तो याद रखिएगा सोयल की स्ट्रेंथ को नापने के काम आता है पेनिट्रोमीटर। और फिर नेक्स्ट है प्रेशर मेम्ब्रेन उपकरण। फील्ड कैपेसिटी नापने के काम आता है, तो ये इस तरीके से उठता है, तो याद रखिए प्रेशर मेम्ब्रेन ऑपरेटर जो है फील्ड कैपेसिटी नापने के काम आता है। फिर नेक्स्ट है क्वांटम सेंसर। क्वांटम सेंसर जो है वो पीएआर नापने के काम आता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो होती है उसको नापने के काम आता है क्वांटम सेंसर। तो याद रखिएगा क्वांटम सेंसर अगर पूछा जाए तो ये काम आता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को नापने के लिए, पीएआर को नापने के लिए काम आता है क्वांटम सेंसर। फिर नेक्स्ट है रेन गेज। रेन गेज जो है वर्षा ऋतु को नापने के काम आता है, तो रेनफॉल को नापने के लिए काम आता है, वर्षा को नापने के लिए काम आता है रेन गेज। फिर नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। वेवलेंथ ऑफ लाइट को नापने के काम आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इस तरीके से दिखता है। आप यहाँ सैंपल लगा देते हैं इसके अंदर, इसको खोल के और यहाँ पर आप रीडिंग ले लेते हैं, तो याद रखिएगा वेवलेंथ ऑफ लाइट को मापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर। स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर जो है वो सोलर रेडिएशन इन नैरो वेवलेंथ, जो नैरो वेवलेंथ की सोलर रेडिएशन होती है, वेवलेंथ की सोलर रेडिएशन उसको नापने के काम आता है स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर। तो फ्रेंड्स से कंफ्यूज मत होइए, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट को नापने के लिए आता है, और जहाँ स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर की बात हो रही है वो सोलर रेडिएशन की जो नैरो वेवलेंथ में होती है उसको नापने के काम आता है। अब नेक्स्ट है थर्मोग्राफ। थर्मोग्राफ ये मशीन है जो कंटिन्यूस एयर टेम्परेचर को नापती है, तो लगातार हवा का जो तापमान होता है उसको नापती रहती है थर्मोग्राफ मशीन। नेक्स्ट लास्ट इंस्ट्रूमेंट है जो आपको याद रखना है विंड वैन। विंड डायरेक्शन को बताती है, तो याद रखिए विंड वैन जो है वो विंड डायरेक्शन को बताती है। तो अगली बार से आप किसी इंडस्ट्री या
सम कॉलेज के ऊपर अपने उसे देखें तो ये जो है वो है विंड फैन और ये विंड डायरेक्शन को बताती है कि विंड किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू लाइक माई चैनल। अब आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आगे भी मैं आप लिए ऐसे बना सकूँ। अगर आपने आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ तो मुझे उसके बारे में कमेंट करिएगा और